लखीसराय जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि रंजन सिंह उर्फ टंटन खरमास के बाद जिला परिषद के आईबी में की पूजा अर्चना, जिसके बाद लखीसराय मुख्यालय स्थित जिला परिषद कार्यालय में सभी सदस्यों के साथ बैठक की और भवन का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर जीप अध्यक्ष ने बताया कि जनता के हित में जो भी कार्य होगा उसे हम करेंगे और जो भी विकास का कार्य होगा उसे समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और बहुत कम समय में क्षेत्र में विकास दिखेगा। इसी बीच कार्यालय में जीप अध्यक्ष से मिलने वालों की तांता लगा रहा। बीएनपी न्यूज के लिए लखीसराय से संवाददाता लाल बहादुर शास्त्री की रिपोर्ट। प्राथमिकता है कि हर गांव को जिले में जो जिम्मेदारी हमको मिली है इसमें तो हम हर गांव से जुड़े हुए हैं, हर गांव की दायित्व बनता है, तो जो गांव मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है उसको हम जोड़ने का काम करेंगे। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले निकास की प्राथमिकता है, उसके बाद स्वास्थ्य है, शिक्षा है। आज प्रथम दिन जिला आईबी का भी पूजा अर्चना, हाँ आज आईबी का भी पूजा अर्चना किए हैं, उसके बाद करके हम लोग सब मिलकर जो हम लोग हैं सदस्य मिलकर सब आए हैं ऑफिस आए। विकास होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, यू हम लोग सब लगभग सब युवा हैं और हम लोग में करने की ललक है और जरूर मैंने जो परिपाटी थी अब वो परिपाटी नहीं रहेगी। लूट की जो हुआ सो हुआ, उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी, विकास होगी और दिखेगी भी, बहुत कम समय में आप लोग को विकास दिखेगी। क्या लग रहा है इसके पहले कौन कौन सा काम जो है बचा हुआ है? वो तो अभी नहीं देखे हैं, उधर काम तो बचा हुआ है। बोले तो कि जब हमारे ही गाँव में जब अभी तक निकास नहीं है तो हम दूसरे गांव की बात क्या करें, तो दूसरे गांव में भी जरूर समस्या होगी, हम जाके देखेंगे और जिला परिषद लोग हमारे जो सदस्यगण हैं सब लोग बताएंगे। हम उसकी सबसे पहले प्राथमिकता मेरा वही रहेगा, सड़कों से जोड़ना, मुख्य सड़क से जोड़ना। और जो तमाम जो सदस्य जिला परिषद के सबको साथ लेकर चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, इसमें कहीं जो हुआ सो हुआ उसके लिए मैंने सबको, सब मेरे मेंबर हैं और सब मेरे परिवार हैं और परिवार में कभी टूट नहीं होने देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और एक परिवार को एक अच्छी कड़ी बना के हम उसको निर्वहन अच्छा से करेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों की जो उनके क्षेत्र में जो समस्या है उनको उजागर करेंगे, आपके पास लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जब तक लाएंगे नहीं फिर हम भी जाके देखेंगे, जिनको जो जरूरत होगा वो खुद हम भी जाके देखेंगे और जिनकी है समस्या वो हमको बताएंगे।